अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं समरा मलिक आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वजीफ़ा लेकर के आई हूँ। वजीफ़ा ये है कि अब जो हमारे घर में पैसे की कमी आ जाती है, जो तंगी आ जाती है पैसे में, तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो गाइस, उसके लिए आसान सा वजीफ़ा है कि हमें पहले तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रब भी कह रही हूँ कि हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी है, हमें नमाज़ें पढ़नी है, नमाज़ें कायम करनी है। और गाइस, जब ये हम जब हर नमाज़ के बाद वजीफ़ा ऐसे करना है कि हमें हर नमाज के बाद दुरू शरीफ पढ़नी है, और दुरू शरीफ के बाद पढ़ना है या वहाबो 121 बार। हमें पढ़ना है या वहाबो 121 बार, और फिर से दुरू शरीफ पढ़ लेनी है। और ये पढ़ने के बाद हमें पानी पर दम कर देना है। हमें एक बोतल में पानी ले सकते हैं और उस पानी को हमें दम करना है, और उस पानी को अगली नमाज तक घर में छिड़कना है, अपने आप पीना है और सबको पिलाना है। तो यही गाइज, हमें इतना सा वजीफ़ा करना है, हर रोज़ करना है, हर वक्त हर नमाज के बाद करना है। बस वजीफ़ा इतना सा ही है गाइज। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि हम जैसा बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। तो गाइज, अब अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। तो अगर आप अपने पड़ोसी का ध्यान रखेंगे तो आपका पड़ोसी आपका ध्यान रखेगा। अगर आप अपना थोड़ा सा, अपना जो आपके पास है, अगर आपका उसका आधे से भी आधा सदका अगर आप देंगे तो अल्लाह आपके रिज़्क में ज़रूर ज़रूर बरकत करेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी कारोबार है, जो भी आप काम करते हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो गाइस, मेरा कहना यही है कि आप जो हैं बहुत अच्छा, आप जो भी करें काम ईमानदारी से करें, और अल्लाह पर यकीदा रखें, और नमाज़ें कायम करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।